गुड मॉर्निंग, आई एम अनिल अग्रवाल, फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक। सो इन आवर अर्लियर वीडियो रिगार्डिंग SBI PO एग्जामिनेशन, आई शेयर्ड वन इंफॉर्मेशन दैट आई रिसीव्ड फ्रॉम आकाश सर रिगार्डिंग डेट ऑफ एग्जाम। एंड इन दैट वीडियो वी डिस्कस दैट द एग्जाम इज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड बाय द एंड ऑफ दिसंबर। And we were expecting the notification any day. So now many days have lapsed and already we are on the 30th of November. So it seems now the date of this examination may be different than December 2024 expected earlier. What are new dates? When this exam will happen? No definite information is available as yet. Since SBI Junior Associate and SBI PO is an annual feature and this is happening every year for now last many years, so we can safely assume that this will happen in the early 25 also, because now there is no possibility that this exam may happen in 2024. So we can expect this exam in early months of 2025. So it is always prudent to remain focused on these examinations, prepare well for these examinations, although date of notification and date of exam is uncertain as on date. So my experience says State Bank of India is surprising Bank of India. It can come out with notification suddenly, and then we will have very little time to prepare. So it is always safe to remain exam ready, and whatever information will emerge, I will share with you. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। SBI PO से संबंधित जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर की थी जो आकाश सर ने बताई थी कि दिसंबर एंड में एग्ज़ाम होगा, और अगर दिसंबर एंड में एग्ज़ाम होना था तो नेचुरल था कि एक या दो दिन में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। उसके बाद से हम कई दिन से निरंतर इंतज़ार कर रहे हैं पर नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। आज 30 नवंबर हो चुका है, अब बहुत कम दिन बचे हैं दिसंबर ख़त्म होने में, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अब ये जो एग्ज़ाम है वो किसी और तिथियों पर होने की संभावना है। ये क्या तिथियां हैं इसके विषय में अभी कोई जानकारी नहीं है, तो एक अनसर्टेनिटी हमारे सामने आ गई है। अगर देखा जाए SBI जूनियर एसोसिएट और SBI PO लगभग हर वर्ष होते चले आ रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, इसलिए इस साल भी पूरी उम्मीद है कि ये एग्ज़ाम होना चाहिए। 2024 में ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो अब हम इसको 2025 के पहली तिमाही के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये दोनों एग्ज़ाम होने चाहिए। अब क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कभी भी अचानक नोटिफिकेशन निकाल देता है, क्योंकि वो IBPS कैलेंडर से तो कवर नहीं होता, और उसके बाद फिर वक्त नहीं मिलता तैयारी करने का, तो प्रूडेंस यही कहती है कि हमें एग्ज़ाम रेडी रहना है, हमें SBI PO और SBI जूनियर एसोसिएट की तैयारी करते रहना है, और जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएंगे या तिथियों के बारे में पता लगेगा हम उसको भी ध्यान में रख सकते हैं, पर अभी हमें अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखना चाहिए। और जो हमारी संभावना थी शुरू में आकाश सर की सूचना के आधार पर कि दिसंबर एंड में ये एग्ज़ाम हो जाएगा, अब वो संभावना लगभग कम होती जा रही है, क्योंकि इतने कम नोटिस पे तो कैसे एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए अगर अन्य तिथियाँ आती हैं उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई की है कोई नुकसान नहीं है, वो ऑलरेडी आगे चल रहे हैं, और अपना जो भी सूचना आएगी आने वाले दिनों में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम्स हैं आज के दौर में ये भी एक अनसर्टन से इवेंट हो गए हैं। केवल IBPS है जिसकी तिथियाँ निश्चित होती हैं और हमें पूर्व सूचना होती है, बाकी तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं कब कौन सा नोटिफिकेशन आ जाता है और कितना कम नोटिस देके एग्ज़ाम हो जाता है ये
हमारे सामने ही है। गॉड ब्लेस यू ऑल।